काफी हमने नियम लागू किया हूँ। अभी हमारा आधार कार्ड मिलने के लिए उनका एनआरसी से हम लोग नाम बाहर निकालेगा, फिर आधार कार्ड मिलेगा। डिटेक्शन का हमने काफी चालू कर दिया हूँ और हर दिन मेरा ट्वीट देखिए, हर दिन हम लोग बांग्लादेशियों को पकड़ रहा हूँ। सर, 6 DC ने ये कोर्ट में कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, झारखंड में नहीं है, मैंने उनके जिले। देखिए ये देखिए, आपको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो ये लोग कौन है वो बता दीजिए। आज से 10 साल पहले पाकुड़ में मैंने खुद बात करके आया हूँ, वहाँ में हिंदू विधायक हुआ करते थे पाकुड़ में। आज स्थिति क्या है, जो लोग आए वो कहाँ से आए, पाकुड़ का DC वो भी तो बताना पड़ेगा। वही जो हलतनामा वो दिए है ना, BJP सरकार आने दीजिए, वही उल्टा हलतनामा देगा। अभी तो DC का हलफनामा का मतलब क्या है, जो CM साहब बताए वही दे दिया है। हमारा सरकार आएगा हम उनको सीधा करूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान पर धज्जियां उड़ाई। देखिए, राहुल गांधी का कानून और संविधान का धज्जिया हम लोग उड़ा रहा हूँ, लेकिन भारत का कानून और भारत का संविधान को हम लोग संविधान सम्मान कर रहा हूँ। मैं कभी जानता नहीं। और बंधु तिर्की और उनका बेटी विधायिका है, वो दिन एक दिन में यहाँ मिला हूँ, हमारा लॉन्च में एयरपोर्ट में उनका बेटी को मैं मिला था, नमस्कार ही किया। सर, गंभीर आरोप लगाए, बोले आपने झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत किया। वो किसका? बंधु तिर्की से। पता नहीं यार कहाँ, मैं व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटी को मैं यहाँ मिले थे, नमस्कार भी किए थे। और मेरे से वीडियो कॉल थोड़े मैं अकेला कर सकता हूँ, जब तक वो लाइन में नहीं आएगा पहले उनको पूछिए वो क्यों लाइन में आए थे। तो क्या वीडियो कॉल भी एक मैं कर सकता हूँ? आप और मैं वीडियो कॉल करूँगा तो वो भी तो वीडियो कॉल में आना पड़ेगा ना। जो आधार पे हेमंत सोरेन जी बोल रहे कि वो कोविड वैक्सीन का कारण मर रहे, कोविड वैक्सीन तो सुरक्षित है, हेमंत सोरेन जी खुद बोला है। उनका जो भी कारण में निधन हुआ है, तदंत होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी तदंत बाद में होगा, पहले उन परिवार को आप एक एक नौकरी दीजिए, वो तो मानवता का बात है। आप देखिए, आज जो भी हेमंत सोरेन जी बात बोल रहे हैं, क्या हमने मांगा क्या है उनसे? भाई, आपका झारखंड प्रदेश का ही एक गरीब बेटा को आप नौकरी एक दे दीजिए, तो उसके लिए मुझे क्यों तिरस्कार करते हैं? मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि असम का युवाओं को झारखंड में नौकरी दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, झारखंड का युवा आपका बेटा है, आपका बेटी है, घर में एक नौकरी दीजिए, उससे आप क्यों मुझको गाली देते हैं? मैं क्या खराब बोला हूँ आप बताइए? अभी लोग एक न्यूट्रल एम्पायर का हिसाब से बोलिए, मैं कुछ खराब बातें बोला हूँ क्या? ये आप ही बताइए ना। सुबह से आप 10 किलोमीटर दौड़ा रहा है, ना एक दूध दिया है, ना एक फ्रूट्स दिया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना मेडिकल चेकअप है, ये हत्या नहीं है क्या? आप ही लोग बताइए। हेमंता जी, और कितने विधायक संपर्क में हैं? देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा BJP वाला लोग मारना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। आपको इसीलिए यहां भेजा है, हमारा तोड़फोड़ करेंगे। हमारा पास तो 12 से 16 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन JMM का भी 2-3, लेकिन कहां लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट में नहीं। नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। मान लीजिए एक नाम बोल दिया, किस विधायक का नाम बोल दिया ना, बंधु तिर्की जी, उनका साथ अभी वीडियो में संपर्क है। अभी बंधु तिर्की का जगह में जो उठने वाला BJP का लोग है, आज से मेरा नाराज नहीं हो जाएगा? तो ये थोड़ा पेचीदा वाला स्थिति है ना। सर,
संपाई जी आए थे, माँ कामाख्या का दर्शन किया, उनका साथ उनका बेटा था, उनका नाती थे, आसाम का जितना आतिथ्य हो सकता था मैंने आतिथ्य दिया, और मैंने मेरा घर में ही उनको परियाल का बुजुर्ग हिसाब से खाना खिलाने का कोशिश किया। और झारखंड का एक दिन प्रेस भी आई है गुवाहाटी में, मेरा घर में खाना खाइए। सर उनको टास्क दिया क्या संथाल? देखिए हम जो कुर्सी में संफाई जी बैठा है वो घर का मुखिया बैठते हैं। जब इतना बड़ा व्यक्ति मेरा घर में जाते हैं वही तो मुखिया बन जाते हैं ना, ये हमारा परंपरा है। जो शेयर में संफाई जी बैठा वो घर का मुखिया के लिए, समाज का मुखिया के लिए है, और मेरा घर में वो जैसा बड़ा व्यक्ति जाएगा तो वही बड़ा मुखिया बन जाएगा ना। देखिए संफाई जी को हम बोल दिया है कि आप जहाँ आपका मन है आप कैंपेन कीजिए, उनका अपना एक स्टाइल है, वो अपना हिसाब से कैंपेन करेगा और पार्टी को मजबूत करेगा। आपके लिए बना के रखा हूँ पूरा ड्रेस। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है डॉक्टरों के स्ट्राइक को लेकर के, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि स्ट्राइक खत्म करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।